पढ़ा है जो, और मुझे इस बात का भरोसा है, हालेलुया, कि जिसने तुम में अच्छा काम अवश्य आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। देखो, परमेश्वर का दास एक यकीन से कह रहा है, भरोसे से कह रहा है कि तुम्हें जो अच्छा काम आरंभ किया हुआ परमेश्वर परमेश्वर के दिन तक उसको पूरा करेगा। वो फर्स्ट सेंटेंस को आप, हालेलुया, परमेश्वर का दास का वो शब्द को आप सुनना, वो क्या कहता है कि मुझे इस बात की भरोसा है। हालेलुया, देखो, परमेश्वर के काम में भरोसा रखना जरूरी है। हालेलुया, कई बार हम उस भरोसा यानी परमेश्वर के ऊपर का जो विश्वास है वो हम खो जाते हैं। यहाँ पर प्रेरित पौलुस फिलिपियों का विश्वासियों के बारे में कह रहा है कि आप में जो अच्छा काम को शुरू किया हुआ परमेश्वर परमेश्वर के उस दिन तक वो पूरा करेगा, ये मुझे भरोसा है। हालेलुया, यानी आज मैं कहने के लिए चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ कार्य को शुरू किया है तो वो बीच में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। उस बात को हम भरोसा रखना है, विश्वास करना है। हालेलुया, परमेश्वर का दास कह रहा है मुझे वो भरोसा है। हालेलुया, कई बार हमें वो भरोसा नहीं है। हालेलुया, इवन हम जो काम शुरू करते हैं हम कई बार टेंशन में आ जाते हैं, क्या ये काम बीच रास्ते में रुक जाएगा, क्या मैं उसको समाप्त कर पाऊंगा, क्या मैं उस पार तक पहुंच पाऊंगा। हालेलुया, जैसे प्रेरित पत्रोस हालेलुया समुन्द्र के ऊपर चलने लगा, वैसे हमारे भी कई बार हालेलुया हमारे काम भी ऐसा हो जाते हैं, हम चलना शुरू करते हैं लेकिन हमारे अंदर भरोसा नहीं है कि हम उस पार तक पहुंच पाएंगे या हम उस समुद्र को क्रॉस कर पाएंगे, वो हमारे अंदर विश्वास नहीं रहता है। हालेलुया, कई बार हम बातों को शुरू करता है, कई काम प्रभु के लिए शुरू करता है लेकिन हमारे अंदर वो भरोसा नहीं रहता है कि हम उस काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, लेकिन प्रभु के दास परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस से हम कुछ बात को सीख सकता है। वो हालेलुया इस प्रकार कहता है, मुझे ये बात में विश्वास है, मुझे ये बात में भरोसा है कि हालेलुया जो काम परमेश्वर ने आरंभ किया है वो अपने यानी यीशु मसीह के दिन तक उसको पूरा करेगा, ये मुझे भरोसा है, मेरा हालेलुया विश्वास है। हालेलुया, आज शाम के समय इस वचन की हालेलुया सुन इस वचन को सुनने के शुरुआत में हालेलुया मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, जो काम प्रभु ने आपके जीवन में करना शुरू किया है, जो काम प्रभु ने आपके जीवन में प्रारंभ किया है, जो काम प्रभु ने आपके जीवन में करने के लिए शुरुआत किया है, हालेलुया, जरूर हालेलुया परमेश्वर उस काम को हालेलुया एक अंजाम देने वाला परमेश्वर है। वो बीच रास्ते में हालेलुया छोड़कर हालेलुया काम को रोकना का परमेश्वर नहीं है, और बीच रास्ते में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हमारे परमेश्वर एक समाप्ति की ओर हमें ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, देखो परमेश्वर की वायदा है, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, उसका हालेलुया उस वचन का अर्थ क्या है। हालेलुया, अगर मैंने तुझे बुलाया है, हालेलुया, अगर मैंने तुझे अलग किया है, अगर मैंने इस विश्वास में तुझे बुलाकर हालेलुया इस विश्वास जीवन में हालेलुया शुरू किया है, हालेलुया उस विश्वास जीवन को हालेलुया एक समाप्ति में लाने वाला यानी एक फिनिशिंग लाइन में लेके आने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हम इब्रानियों का पत्र उसका 12वें अध्याय में हालेलुया हम देख सकता है हमारा परमेश्वर जो है हमारे दौड़ को पूरा करने में हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया,
हमें केवल इतना ही करना है कि हालेलुया हमारे विश्वास के ऑर्डर एंड द फिनिशर, हालेलुया शुरुआत करने वाला और उसको पूरा करने वाला परमेश्वर को देख के हमें आगे दौड़ना है। हालेलुया। देखो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है। हालेलुया। पहला थिंग, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। कई बार जो है परमेश्वर जो काम हम हालेलुया करेंगे, हालेलुया, हम कई बार परमेश्वर से प्रश्न पूछने में लग जाते हैं, प्रभु कब तक हालेलुया समय चाहिए, कब तक तू काम करेगा, कब तू तेरा काम को करेगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर अगर वायदा किया है तो परमेश्वर के दास पौलोस के समान हालेलुया हम उस वायदे के ऊपर विश्वास करने में हालेलुया हालेलुया उस वायदे में हालेलुया हम भरोसा करने वाले हम बन पाए कि हालेलुया जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य को शुरू किया है हालेलुया वो कार्य को जरूर परमेश्वर एक अच्छा अंजाम तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है, वो जरूर मुझे हालेलुया उस पार में पहुंचाने वाला परमेश्वर है, उसके ऊपर हम भरोसा करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। यहां पर देखो तुमने जो अच्छा काम आरंभ किया है, यहां पर जो परमेश्वर का दास कौन सी अच्छे काम के बारे में कह रहा है, अगर हालेलुया उसको देखना है तो उसके पांचवें आयत में हमें जाना है। उस पांचवें आयत में हम इस प्रकार देख सकता है कि वहां पर इस प्रकार लिखा है कि इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरी सहभागी रहे हो। हालेलुया। यानी बहुत सारे कष्ट उनके जीवन में है, बहुत सारे तकलीफ उनके जीवन में है, बहुत सारे कठिनाई उनके जीवन में है, बहुत सारे डिफिकल्टी से होकर वो गुजरते हैं, लेकिन हालेलुया उन सारी चीजों के बीच में, उन सारी बातों के बीच में सुसमाचार की सेवगाई के लिए उनके हालेलुया हाथ फैलाने वाला लोग थे। हालेलुया। फिलिपियों में हालेलुया जो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। आज हालेलुया जैसे हम शुरुआत में कहा है हालेलुया इस पुकार मंच में 300 हालेलुया दिन पूरा किया है। हालेलुया। अगर हम देखे जाएं तो ये सुसमाचार में हालेलुया सुसमाचार फैलाने में हालेलुया जो योगदान हम दे सकते हैं उस योगदान इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा हालेलुया आप लोगों ने किया है। हालेलुया ये छोटी काम नहीं है। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर का दास लिखता है जो अच्छा काम हालेलुया यानी सुसमाचार सुनाना या सुसमाचार में हालेलुया भागीदारी बनना, सहभागी बनना, परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया ये एक अच्छा काम है। हालेलुया। देखो हालेलुया हम कई बार एक साधारण विश्वासी रहकर हम हालेलुया रह जाते हैं, कई बार छोटे से प्रार्थना कर हालेलुया हमारे परिवार के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर हालेलुया दो तीन गीत गाकर हम उसी सीमा के अंदर, चार दीवारों के अंदर हालेलुया हम सीमित रह जाते हैं। कई बार हम सुसमाचार की सेवकाई के लिए सहभागी बनना हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन हालेलुया कोरोना सीजन में हालेलुया इस महामारी के बीच में हालेलुया जो सेवकाई के लिए यानी सुसमाचार के लिए जो सहभागिता दिखाया है हालेलुया जो सेवकाई हालेलुया आप लोगों ने इस मंच के द्वारा किया है हालेलुया श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। हालेलुया इस 300 दिन में हालेलुया जो सेवगाई परमेश्वर आप लोगों से करवाया है, जो परमेश्वर ने शुरू किया है हालेलुया ये शब्द हालेलुया हमेशा याद रखना। हालेलुया वहां पर जो लिखा है जिसने तुम में अच्छा काम की आरंभ किया है, यानी हमने कई बार हमको ऐसा लगता है मैंने शुरू किया, मैंने चलाया,
हालेलुया, मैं सब कुछ किया, ये बात कभी हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है, हालेलुया, प्रेरित पौलुस कहता है जो सेवकाई यानी सुसमाचार के फैलाने में आप लोगों ने जो सहभाग्यता दिखाया है, वो सहभाग्यता दिखाने का मन और उस सिचुएशन परमेश्वर ने शुरू किया है। हालेलुया, हालेलुया। देखो ये कोरोना एक तरह हमारे लिए, हमारे देश के लिए नुकसान है, कठिनाई है, प्रश्न है, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरह परमेश्वर की सेवकाई में हालेलुया, जिस चीज को हम पहले नहीं कर पाते थे, हालेलुया, जो काम हम पहले नहीं कर पाते थे, हालेलुया, वो काम करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया एक ओपनिंग, एक शुरुआत हालेलुया हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया, मैं यकीन मानता हूं हालेलुया इस 300 दिन में हालेलुया जितने परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर की वचन की सेवगाई किया है, गीतों की सेवगाई किया है, और जिन जिन सेवगाई हालेलुया इस मंच पे हुआ है, हालेलुया मैं विश्वास करता हूं हालेलुया आज नहीं तो कल, हालेलुया आज भी उसका फल हालेलुया प्रकट है, और आने वाले दिनों में भी हालेलुया जरूर हम उसके फल को काटने वाले हैं। हालेलुया एक हालेलुया कटनी का दिन जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। हालेलुया उसमें हालेलुया जो सहभाग्यता हालेलुया इस मंच के द्वारा आप लोगों ने दिखाया है, जरूर उसका प्रतिफल हालेलुया आपके जीवन में भी परमेश्वर देने वाला है, ये मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, देखो हालेलुया यहां पर जो अच्छा काम करके परमेश्वर का दास ने बोला, वो अच्छा काम क्या था कि हालेलुया फिलिपियों के जो कलीसिया हैं, हालेलुया उनके कठिनाई के समय में, उनके तकलीफ के समय में, हालेलुया उनके निराशा के समय में, उनके हालेलुया दर्द के समय में होते हुए भी हालेलुया उन्हें हालेलुया सुसमाचार के लिए उन्होंने सहभाग्यता दिखाया। हालेलुया, हालेलुया उन्होंने सहभाग्यता दिखाकर हालेलुया उस सुसमाचार की सेवकाई हालेलुया किया। हालेलुया उसके लिए परमेश्वर का दास कहता है कि जो अच्छा काम परमेश्वर ने आपके जीवन में आरंभ किया है। हालेलुया, हालेलुया आज हालेलुया एक इवेंजलिस्ट हालेलुया के रूप में परमेश्वर आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां परमेश्वर का वचन हालेलुया अभी तक पहुंचा नहीं है, हालेलुया इन माध्यमों के द्वारा हालेलुया अनेक लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच पा रहे हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, और आज हालेलुया जिन बहनों ने गीतों की सेवगाई में मदद किया है, उन 8 बहन हालेलुया बहनों ने मिलकर हालेलुया जो सेवगाई किया है, हालेलुया मैं हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन से भरोसा दिलाने के लिए चाहता हूँ, जो काम हालेलुया आप लोगों ने किया है प्रभु के लिए, हालेलुया ये परमेश्वर ने आप में वो काम को शुरू किया है, हालेलुया वो परमेश्वर ही हालेलुया उसको समाप्ति करने वाला यानी पूरा हालेलुया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया आपको हालेलुया परमेश्वर के सेवकाई में हालेलुया एक सहभागी होने के लिए प्रभु ने मौका मिला, प्रभु ने मौका दिया, हालेलुया उस मौके के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि अगर हम इस कोरोना नहीं आते और इस तरह का तकलीफ हमारे देश में नहीं होते, आज इन हालेलुया बहने कई और होते, हालेलुया वो प्रभु को नहीं जानते होते, हालेलुया कुछ अलग हालेलुया बातों में व्यस्त रहते होंगे, उनके पढ़ाई में व्यस्त रहते होंगे, लेकिन हालेलुया उनको भी हालेलुया परमेश्वर ने इस सुसमाचार की सेवकाई में हालेलुया एक सहभागी के रूप में हालेलुया इस्तेमाल कर रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यानी जो अच्छा काम हालेलुया परमेश्वर ने आरंभ किया है, हालेलुया जरूर हालेलुया वो मसीह के दिन तक हालेलुया पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए, हालेलुया परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अपने आप को सुसमाचार की सेवगाई के लिए हालेलुया समर्पण करके देना परमेश्वर ये हमसे चाहता है। चलाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया
हालेलुया अंजाम तक मुकाम तक पहुंचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया उस परमेश्वर के हाथों में, उस हाथ के अधीन में हालेलुया अपने आप को समर्पण करके देना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया कई बार सेवकाई में हालेलुया मैं खुद जानता हूं हालेलुया इस ऑनलाइन जो जूम का जो पैसा हालेलुया भरने के लिए हालेलुया शेखर ब्रदर कई बार हालेलुया बोला भी है हालेलुया वो हालेलुया जो खर्चा करना है वो अपने आप को तैयार हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारे धन है इसलिए नहीं किया हालेलुया। लेकिन सुसमाचार की सेवकाई के लिए हालेलुया जो उनसे हो सकता है वो किया है हालेलुया। प्रियो हालेलुया कष्ट नष्ट और परेशानी दर्द ये सब उठाते हुए भी हालेलुया हम जो प्रभु के लिए हालेलुया काम करेंगे उस काम का प्रतिफल हालेलुया इस दुनिया में भी और आने वाले दुनिया में भी प्रभु हालेलुया प्रभु जरूर लौटा देगा हालेलुया प्रभु जरूर हालेलुया आपको आशीष देगा हालेलुया। यहां पर देखिए परमेश्वर का हालेलुया वचन कहता है जो हालेलुया अच्छा काम परमेश्वर ने आरंभ किया है वही हालेलुया यानी परमेश्वर ही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा उसका मतलब क्या है? यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक। हालेलुया आज भी हालेलुया यीशु मसीह का ही दिन है। हालेलुया हम सब गीत गाते हैं आज का दिन हालेलुया परमेश्वर ने प्रभु ने बनाया है हालेलुया आज भी परमेश्वर का ही दिन है। लेकिन यहां पर जो दिन के बारे में कह रहा है कि प्रभु के आगमन के यानी यीशु मसीह के दोबारा आगमन के दिन तक हालेलुया यानी जो सेवकाई प्रभु हमारे जीवन में शुरुआत करते हैं वो थोड़े दिन के लिए नहीं है हालेलुया। हमें कई बार ऐसा लगता है कि अभी अगला महीने बंद कर दूंगा, नहीं तो मैं सेवकाई हालेलुया इस साल और करूंगा फिर मैं बंद कर दूंगा। कई बार परमेश्वर के दास हालेलुया होने के नाते कई बार जीवन में कठिनाई परेशानी हालेलुया दर्द देने वाली हालेलुया कई समस्याएं आते हैं, हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं बस सब कुछ यहाँ पर समाप्त करेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, अभी कुछ काम करेंगे और परमेश्वर के लिए जितना हो सकते हैं हम कुछ सेवकाई में मदद करेंगे, इस प्रकार हम सोचने में लग जाते हैं हालेलुया। लेकिन प्रियो परमेश्वर जो काम हमारे जीवन में शुरू करता है वो परमेश्वर का दिन तक यानी यीशु मसीह के दिन तक हालेलुया हमें जारी रखना है हालेलुया हमें स्टॉप नहीं करना है हालेलुया उस चीज को हमें जारी रखना है और अंजाम देने वाला परमेश्वर है हालेलुया वो फिनिशिंग देने वाला परमेश्वर है हालेलुया। चाहे छोटे मोटे काम हालेलुया आप प्रभु के लिए जो करते हैं हालेलुया कभी उसको बंद नहीं करना है। किसी का कहने पर हालेलुया किसी ने कुछ बोला इसलिए मैं ये बंद कर देता हूं हालेलुया, किसी ने हालेलुया मुझे कुछ कह दिया इसलिए मैं सेवकाई छोड़ देता हूं, ये सब परमेश्वर हमसे नहीं चाहता है। परमेश्वर अगर शुरू किया है परमेश्वर को हालेलुया पता है उसको कब बंद करना है हालेलुया कब उसको अंजाम देना है हालेलुया उसको हालेलुया जानते हुए उसके ऊपर भरोसा करते हुए विश्वास करते हुए हम परमेश्वर के लिए अपना काम हालेलुया जारी रखना है। इसलिए हालेलुया जैसे मैंने पहले कहा हालेलुया इब्रानियों का पत्र 12वें अध्याय में हालेलुया 11वां और 12वां अध्याय में हम देखते हैं हालेलुया जो काम परमेश्वर शुरू करता है हालेलुया उसका हालेलुया ऑर्डर और फिनिशर यानी शुरुआत करने वाला और उसको अंजाम देने वाला फिनिशिंग पॉइंट में लाने वाला वो परमेश्वर है हालेलुया। इसलिए विश्वास के जो हालेलुया हालेलुया शुरुआत और अंजाम देने वाला उसकी ओर देखकर उसकी ओर ताकते हुए हालेलुया हमें आगे बढ़ना है हालेलुया। काम पूरा किया हुआ अनेक हालेलुया बादलों के समान अनेक संतों के हालेलुया अनेक पवित्र लोगों के बड़े लिस्ट देते हुए
हालेलुया। प्रेरित पौलुस वहां पर कहता है वे सब अपने दौड़ को पूरा करते हुए, यानी हालेलुया परमेश्वर उनको दिया हुआ सेवकाई को पूरा करते हुए वहां पर हमारे इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया वो लोग भी हालेलुया हमें देखकर हालेलुया सराह रहा है और वे लोग भी वहां पर हालेलुया रहते हुए हमें देख रहा है, हमारे दौड़ को देख रहा है कि हालेलुया हम भी इस दौड़ को पूरा करें। यानी हमारे दौड़ का मतलब क्या है, हमारे विश्वास जीवन, हमारे सेवकाई सुसमाचार में हालेलुया हम प्रभु को जो काम करते हैं वो काम हम पूरा करते हुए देखना परमेश्वर भी हालेलुया चाहता है। और जो संत लोग हालेलुया अपना सेवकाई पूरा करते हुए हालेलुया चले गए हैं वे लोग भी हमारे दौड़ को हमारे सेवकाई को देख रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के दिन तक यानी प्रभु के दोबारा आगमन तक हालेलुया हमें इस बात को करते रहना है और प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। और उसके बाद उसके नौवा आयत में हम आते हैं वहां पर, और मैं ये प्रार्थना करता हूं तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। हालेलुया। देखो जो काम प्रभु ने शुरू किया है हालेलुया फिलिपियों का हालेलुया कलीसिया के लोगों के लिए वहां के संतों के लिए प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। देखो सुसमाचार हालेलुया सुनाने वालों के लिए प्रार्थना करना है, हालेलुया परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करना है, सेवकाई करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। देखो सुसमाचार में जो लोग भागीदारी दिखाया सहभागी दिखाया हालेलुया उनके बारे में हालेलुया लिखते हुए प्रेरित पौलुस कहता है मैं हालेलुया तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करता हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना में उनको उठाए रखना, प्रार्थना में उनको याद रखना। हालेलुया। आपको सुसमाचार सुनाकर हालेलुया आपको प्रभु में चलाने वाले लोगों को याद करना है। हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करना है, ये वचन हमें सिखाता है। देखो प्रेरित पौलुस कहता है कि उस कलीसिया के लोगों के लिए जो सुसमाचार में सुसमाचार की सेवकाई में उनकी सहभागिता दिखाया है उनको कहता है मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ती जाए। हालेलुया। जो प्रेम के बारे में वहां पर लिखा है प्रभु के सेवकाई के लिए जो प्रेम, हालेलुया हालेलुया जो लगाव परमेश्वर की सेवकाई के लिए सुसमाचार फैलाने में हालेलुया प्रभु के हालेलुया काम में जो प्रेम आप दिखाते हैं, हालेलुया देखो परमेश्वर का काम हालेलुया परमेश्वर की सेवकाई हालेलुया कई प्रकार के सेवकाई होते हैं। हालेलुया आप कई प्रकार हालेलुया उसमें भाग ले सकता है। हालेलुया परमेश्वर का वचन हालेलुया इस प्रकार हालेलुया इस प्रकार पूछते हैं अगर कोई भेजते नहीं है तो कौन जाएगा, अगर कोई जाते नहीं है कौन प्रचार करेगा, अगर कोई प्रचार नहीं करते हैं कैसे सुनेगा, अगर कोई सुनते नहीं है। देखो प्रचार का सुसमाचार का सेवकाई किस प्रकार होते हैं। हालेलुया। देखो सुसमाचार में हालेलुया सुसमाचार में आप प्रभु के लिए जो प्रेम है आप कैसे दिखा सकते हैं। हालेलुया। वो जाने वाले को हालेलुया भेजने वाला एक होना चाहिए। हालेलुया। जाना है तो भेजना है तो बहुत सारे बातें उसके पीछे होना चाहिए, एक व्यक्ति को ऐसे नहीं भेज सकता है। हालेलुया। उसके पीछे हालेलुया उनको आर्थिक समस्याएं हो सकता है, उनको शारीरिक कमजोरियां हो सकता है, कई तरह का डिफिकल्टियां हो सकता है। हालेलुया। तो उसके पीछे हालेलुया आपसे जो हो सकता है वो मदद आप कर सकते हैं। हालेलुया। जाने वालों के लिए मदद करना है। हालेलुया। बोलने वालों के लिए यानी प्रचार करने वालों के लिए मदद करना है। हालेलुया। और
हालेलुया, सुनने वाले को मदद करना है, क्योंकि अगर हमने सुना दिया और उसके पीछे मेहनत हमने नहीं किया, यानी हमने जो कई बार हमको ऐसा लगता है हमने प्रचार सुना दिया, हमने सुसमाचार बोल दिया, बाकी प्रभु कर देगा, नहीं। हालेलुया, उनको भी पालन पोषण करना है। हालेलुया, उनको भी उस सुसमाचार सुनाकर उनको बढ़ाकर लेके आना है, उनके बढ़ोतरी में हर प्रकार की जरूरतों को, आत्मिक बातों को उनको बोल के उनको आत्मिकता में बढ़ा के लेके आना है, वो जिम्मेदारी है। हालेलुया, हमें ऐसा लगता है मैंने जो करना है मैंने कर दिया, प्रियो ऐसा नहीं है। कई बार सुनो, भेजने वाले को ऐसा लगेगा मैंने तो भेज दिया, वो कर रहे नहीं कर रहे उनको, और दूसरी बार जो भेजा गया उसको ऐसा लगता है मैं तो चला गया, मैं तो बोल दिया, मैं तो सुना दिया। हालेलुया, लेकिन हालेलुया, हर एक काम में हालेलुया, जैसे परमेश्वर का दास वहां पर कहता है कि मैं हालेलुया आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, अगर आप किसी को भेज रहे हैं, हालेलुया आप जा रहे हैं, आप सुसमाचार सुना पा रहे हैं, आप सुसमाचार सुन रहे हैं, और इन सारी बातों के बीच में हालेलुया प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया, प्रार्थना हालेलुया इसके पीछे, कोई भी सेवकाई हालेलुया प्रार्थना बिना ज्यादा आगे चलेगा नहीं। हालेलुया, बिना प्रार्थना में कुछ भी आप चला लोगे हालेलुया वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। हालेलुया, सेवगाई जो टिकेगा वो सेवगाई के पीछे प्रार्थना करने वाले लोग जरूर होंगे। हालेलुया, हालेलुया, उसके लिए प्रार्थना में लगातार उसको याद करते हुए प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर के दास कहता है कि जो सेवगाई आप करते हैं हालेलुया मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, और क्या प्रार्थना करते हैं हालेलुया, तुम्हारा प्रेम हालेलुया ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित हालेलुया और भी बढ़ते जाएं। हालेलुया, जो प्रेम आप सुसमाचार के लिए दिखाते हैं हालेलुया, प्रेरित पौलुस और तीमुथियुस साथ मिलकर कहता है कि हालेलुया और बढ़ते जाना चाहिए। हालेलुया, कई बार हमें ऐसा है कि हम कुछ करते हैं और धीरे धीरे घटते जाते हैं। हालेलुया, पहले बहुत करते थे, फिर हम थोड़ा थक गया, फिर हम छोटा कर दिया उसको, फिर और थोड़ा कम कर दिया, फिर और थोड़ा कम कर दिया, फिर और थोड़ा कम कर दिया, हम रिवर्स गियर में जाते हैं। हालेलुया, लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहता है कि आप में जो सेवगाई हालेलुया परमेश्वर ने शुरू किया है वो आप हालेलुया प्रेम में ज्ञान में और सब प्रकार के विवेक में हालेलुया बढ़ते जाए। हालेलुया, यानी आप में परमेश्वर ने जो सेवगाई को शुरू किया है हालेलुया, जो सुसमाचार आप सुना है हालेलुया उसमें बढ़ते जाना है। हालेलुया, हम कुरिंदी कलीसिया के हालेलुया कुरिंदी पहला कुरिंदी उसका तीसरा अध्याय में आते समय प्रेरित पौलुस वहां पर कुरिंदी कलीसिया को डांटते हैं। हालेलुया, आप आज भी हालेलुया दूध पीते हुए रहते हैं, आप बड़े नहीं हो रहे हैं। हालेलुया, आप आज भी दूध पीने वाले बच्चों के समान ही हैं, आप हालेलुया आत्मिकता में बढ़ते नहीं हैं। हालेलुया, देखो आज हालेलुया जो सुसमाचार सुनते हुए हालेलुया जितने बहनों ने हालेलुया इस मंच के हालेलुया द्वारा परमेश्वर का वचनों को सुनते हैं, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं आपने जो सुसमाचार सुना हालेलुया आप दो गीत गाए और वचन हालेलुया पढ़े और वचन सुने वहां पर समाप्त नहीं होना चाहिए। आपको आत्मिकता के एक एक स्तर एक एक स्टेप में बढ़ते जाना है।
हालेलुया। उसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है आप हालेलुया तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ते जाएं, हालेलुया, और भी विश्वास में बढ़ते जाएं, और भी मसीह प्रेम में बढ़ते जाएं, और भी विश्वास में मजबूत होते जाएं, हालेलुया। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, हालेलुया। कई बार हालेलुया हम विश्वास में हालेलुया उसके शुरुआत में आ गया और थोड़ा बहुत हमने वचन पढ़ लिया, थोड़ा बहुत गीत हमने सीख लिया और वही समाप्त हो जाते हैं, हालेलुया। नहीं, हालेलुया, आज जो काम में परमेश्वर ने आपको यहां तक बढ़ाया है, हालेलुया, प्रभु को जानने के लिए, यीशु मसीह को जानने के लिए आपको मौका दिया है, तो हालेलुया उसमें बढ़ते जाना है, यीशु मसीह को और करीब से जानना है, हालेलुया, उसके प्रेम में और बढ़ते जाना है, हालेलुया, उसके ज्ञान में और बढ़ते जाना है और उसके विवेक में और बढ़ते जाना है, हालेलुया। आजकल हालेलुया हम कलीसियाओं में देखें, हालेलुया विश्वास में आ गया, बपतिस्मा लिया, वहां सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, उसके पार हालेलुया उसकी बाद हालेलुया विश्वास में बढ़ना आजकल हालेलुया बहुत कम लोग हालेलुया और विश्वास में बढ़ते जाते हुए हम देख पाते हैं। प्रियो हालेलुया परमेश्वर हमसे ये चाहता है, हालेलुया। जब हालेलुया फिलिपियों का हालेलुया लोग जो हैं, विश्वासी लोग जो हैं, हालेलुया वो विश्वास में आया और उसके बाद हालेलुया वो सुसमाचार की सेवगाई में सहभागिता दिखाया। प्रेरित पौलुस कहता है आप तो दूसरा स्टेप में आ गया है, लेकिन और भी आपको बढ़ते जाना है, हालेलुया। हमें ऐसा लगता है मैं तो विश्वास में आया, हालेलुया, और मैं आज सुसमाचार सुनाने में भी, मैं कई लोगों को सुसमाचार सुना भी चुका हूं और मैं सब कुछ हो गया, ये नहीं है, हालेलुया। और भी मसीही प्रेम में हालेलुया मसीह के सिर तक हमें बढ़ना है, हालेलुया। आज आप हालेलुया टकने तक आ गया या घुटने तक आ गया तो वहां पर आपका बढ़ना बंद नहीं होना चाहिए, हालेलुया, मसीह के उस सिर तक, हालेलुया। देखो हालेलुया केवल यीशु मसीह ही है ऐसा कहने वाला, मेरे जितना तक, हालेलुया, आप बढ़ते आओ, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह कहा है कि मेरे ऊपर विश्वास करने वाला मैंने जो किया है उससे भी अधिक करेगा और कोई ये नहीं चाहेगा, हालेलुया। सारे गुरु जो हैं हालेलुया उनके शिष्य जो हैं उनका अधीन में रहे ये चाहेंगे, लेकिन यीशु मसीह ही है हालेलुया वो कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास करने वाला मेरे से भी अधिक काम करेगा, हालेलुया, मैंने जितना किया है उससे भी अधिक वो करेगा, हालेलुया। यानी उसका मतलब क्या है, हालेलुया हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, हालेलुया यीशु मसीह के उस सिर तक हमें बढ़ना है और यीशु मसीह ने जो काम किया है उससे बढ़कर हमें करना है, हालेलुया। क्योंकि ये हमारे लिए वायदा है कि वो जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा मैंने जो किया है उससे अधिक करेगा, हालेलुया। क्या हम उतना तक कर पा रहे हैं, हम अधिक नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन क्या हम यीशु मसीह ने जितना किया उतना कर पा रहे हैं या हम उसके आधा तक कर पा रहे हैं, हालेलुया। अगर हम सही रीति से एनालाइज करें यीशु ने किया है उसके 0.001 तक भी हम कई बार नहीं कर पाते हैं, हालेलुया। प्रियो हमें विश्वास में बढ़ना है, प्रभु के प्रेम में बढ़ना है, उसके ज्ञान में हालेलुया हमें बढ़ते जाना है, हालेलुया, और हालेलुया विवेक में बढ़ते जाना है, हालेलुया। परमेश्वर के दास हालेलुया प्रेरित पौलुस दास लोग हालेलुया प्रेरित पौलुस और तिमोथियुस हालेलुया फिलिपियों के कलीसिया के लिए वहां के संत लोगों के लिए हालेलुया कह रहा है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु के प्रेम में और बढ़ते जाएं। आज शाम के समय हालेलुया मुझे ये कहना है हालेलुया जो प्रभु को आपने जाना है हालेलुया और वहां पर सिर्फ यीशु मसीह के उतना जानकारी में हालेलुया लिमिटेड नहीं रहना है,
और भी बढ़ते जाना है, कल आप सुसमाचार सुनाने वाले बन पाना है। हालेलुया, उसके बाद चिन्ह और चमत्कारों के साथ प्रभु के सेवगाई में आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया, प्रभु आपको उसी तरह इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, इस मंच में हालेलुया मेरी ये प्रार्थना है आने वाले दिनों में हालेलुया प्रभु ऐसा काम आप लोगों के द्वारा हालेलुया करने पाए, और हालेलुया मैं प्रार्थना करता हूं। और उसके बाद दसवां आयत इस प्रकार कहता है, यहां तक कि तुम उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानो। हालेलुया, देखो कौन सा उत्तम चीज है उसका फर्क समझना जरूरी है। हालेलुया, उत्तम चीजों को चुनना है। हालेलुया, हम हालेलुया मार्था और मरिया के अनो घर में यीशु मसीह आया, वहां पर मार्था जो है यीशु मसीह के लिए भोजन तैयार करने में वो लगे हुए थे, वो बहुत सारे डिशेस यीशु के लिए बना रही है, बहुत कुछ यीशु को देने के लिए वो चाहती है, लेकिन उस समय मरियम जो है हालेलुया वो यीशु के चरणों पर जाकर बैठ गया। हालेलुया, और थोड़े समय के बाद हम देख सकता है मार्था बहुत सारे काम करके थक जाती है और यीशु के पास आकर कंप्लेन बोलते हैं। हालेलुया, वो यीशु को कहते हैं, यीशु आप देखो मैं तो काम करके थक गई, मैं आपके लिए इतना कुछ भोजन तैयार कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ आपके लिए कर रही हूं। हालेलुया, लेकिन मेरी सिस्टर, मेरी हालेलुया सिस्टर को देखो, वो कुछ नहीं कर रही है, आपके चरणों पर बैठी है, उसको बोलो आके मुझे कुछ मदद करो। हालेलुया, तब हालेलुया यीशु मसीह क्या कहता है, हालेलुया वो कहता है मरियम ने तो उत्तम चीज को चुन लिया है। हालेलुया, देखो यहां पर हमने देखा है कि आप उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानो, यानी हालेलुया कुछ व्यर्थ चीजों में हालेलुया आप आपके टाइम पास मत करो। हालेलुया, जो दुनिया के हालेलुया मोह माया और दुनिया की बातों में ज्यादा समय देकर अपना जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने की जगह हालेलुया उत्तम उत्तम बातों में हालेलुया बातों को प्रिय जानो। हालेलुया, जैसे हालेलुया मरियम को यीशु मसीह के चरण में बैठना हालेलुया वो उत्तम बात मानी थी। हालेलुया, उसको अच्छा लगा यीशु के चरणों पर बैठना, वो प्रभु के चरणों पर बैठना वो सारी बातों से, सारी अन्य बातों से प्रिय हालेलुया उसको हालेलुया यही था कि यीशु के चरणों में जाकर बैठना, यीशु के वचन सुनना, यीशु के हालेलुया बातों को यीशु जो कहते हैं उसको सुनना। हालेलुया, उसको बाकी सारी बातों से वो उत्तम हालेलुया हालेलुया जानती थी। हालेलुया, आज हालेलुया मुझे ये कहने के लिए हालेलुया यही कहने के लिए है कि हालेलुया यहां पर प्रेरित पौलुस जिस हालेलुया जिस प्रकार हालेलुया फिलिपियों का कलीसिया के लिए प्रार्थना किया है, वैसे हालेलुया यहां पर मैं भी वही प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, हम परमेश्वर की बातों को यानी उत्तम उत्तम चीजों को हालेलुया, कौन कौन सा चीज उत्तम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप पढ़ाई सब छोड़कर एक साइड में रखकर सिर्फ प्रार्थना करते रहो, हालेलुया सिर्फ गीत गाते रहो, यू नहीं। हालेलुया, जिस जिस चीजों में आप समय लगाना चाहिए सिर्फ उसी समय उसी चीजों में समय लगाइए। आपको पढ़ाई हालेलुया अगर आप उत्तम चीज मानते हैं उसमें आप समय लगाओ, प्रार्थना उत्तम चीज आप मानते हैं उसी में आप समय लगाओ, और प्रभु के उपस्थिति में बैठना अगर आप उत्तम चीज मानते हैं तो उसी में समय लगाओ। हालेलुया, और अन्य बातों को जो जरूरी नहीं है हमारे जीवन में हालेलुया उसी में आप टाइम पास मत कीजिए। अगर हम हमारे समय को हालेलुया एक परफेक्ट रीति से हम उसको उपयोग कर पाएंगे तो हम हालेलुया हमारे पढ़ाई में भी
और हमारे प्रभु के काम में भी, हमारे घर के काम में भी, सारे काम में हालेलुया हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, समय का मैनेजमेंट करना, हालेलुया समय को किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए उस प्रकार, हालेलुया उसका मैनेजमेंट करना ये हमें सीखना जरूरी है। हालेलुया, कई बार कई लोगों को ऐसा है कि समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि समय को मैनेज करना उनसे नहीं होता है। कई लोगों को प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, कई लोगों को सुसमाचार सुनाने में समय नहीं मिलता, जाने में समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हालेलुया जिन जिन चीजों के लिए हमारा समय को इन्वेस्ट करना है उसी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। हालेलुया, सारी बातों में आप घूमेंगे तो आप उस बातों को उत्तम, आपके जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हालेलुया उसी चीजों में आप समय लगाइए। परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। हालेलुया, यानी हालेलुया प्रभु के उपस्थिति में बैठना जैसे हालेलुया मरियम ने उत्तम जाना है, हालेलुया वैसे हम भी हालेलुया प्रभु के कामों को हालेलुया महत्वपूर्ण बात समझते हुए, हालेलुया प्रार्थना करना महत्वपूर्ण बात समझते हुए, प्रभु के स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना वो उत्तम बात हालेलुया समझते हुए अगर हम प्रभु के लिए समय बिता पाएंगे, हालेलुया तो हालेलुया हमारे जीवन में वो बहुत हालेलुया अच्छी बात होंगे। और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। हालेलुया, देखो हम हमारे विश्वास के जीवन के शुरुआत में बहुत सच्चे होंगे, हम सारी चीजों में हालेलुया प्रभु को आगे रखते हुए हम सारी काम करते हैं, लेकिन थोड़ा समय हालेलुया इस विश्वास के जीवन में हमने बिताया उसके बाद तो छोटे 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 चीजों में हम एडजस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, देखो यहां पर कहता है मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। हालेलुया, हमें बुलाया हुआ परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तो परमेश्वर के दिन तक, प्रभु के दिन तक, हालेलुया मसीह के दिन तक, हालेलुया हम सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। हालेलुया, हालेलुया वहां पर लिखा है ठोकर ना खाओ। हालेलुया, यानी हालेलुया शैतान हमें कई बार इस विश्वास में से पीछे ले जाने के लिए कई सारे सिचुएशन हमारे जीवन में बनाएंगे, कई सारे बातें हमारे जीवन में लाएंगे, लेकिन हालेलुया हम उन सारी चीजों को समझते हुए, शैतान के चाल को समझते हुए ठोकर नहीं खाना है। हालेलुया, शैतान हमें गिराना नहीं है। हालेलुया, एदन की वाटिका में हम देख सकता है परमेश्वर ने जो बात उनको कहा था, आदम और हव्वा को, ईव को, हालेलुया जो बात परमेश्वर ने कहा था, लेकिन शैतान आकर उनको कुछ और बात तो सुना दिया। हालेलुया, और शैतान आकर कह दिया कि हालेलुया अगर इस फल को तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसा बन जाओगे। हालेलुया, देखो वहां पर उन्होंने ठोकर खाया। हालेलुया, देखो इस विश्वास में से हमें पीछे हालेलुया गिराने के लिए, हमें पीछे ले जाने के लिए शैतान कई कोशिशें किए जाएंगे, लेकिन हमें ठोकर नहीं खाना है। हालेलुया, और उसके 11वें आयत में, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हालेलुया, देखो धार्मिकता के फल, हालेलुया वो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। हालेलुया, और उसमें भरपूर होते जाओ। हालेलुया, एक भरपूरी के जीवन,
जब हम कहते हैं भरपूरी के जीवन, हमारे दिमाग में आर्थिक चीजें आ जाते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ जाते हैं। हाँ, भरपूरी बोले तो बहुत सारे पैसा, बहुत सारे धन नहीं, आत्मिक भरपूरियां। हालेलुया, परमेश्वर हमें आत्मिक भरपूरी भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, कई बार हम इससे वंचित हो जाते हैं, कई बार इससे हम ठोकर खा जाते हैं कि हालेलुया भरपूरी बोले तो हम हालेलुया फाइनेंशियल के पीछे चले जाते हैं। हालेलुया, मेटीरियल चीजों के पीछे चले जाते हैं। इसलिए आजकल के कलीसिया में हालेलुया आत्मिकता कम होते जाते हैं और मेटीरियल चीजें हालेलुया हालेलुया बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रियो हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है कि आप में ये सारी बातें हालेलुया जो प्रेम है और हालेलुया सब प्रकार के विवेक है हालेलुया और हालेलुया ज्ञान है और उसके बाद उत्तम चीजों को प्रिय जानना और सच्चे बने रहना और उसके बाद धार्मिकता के फल को हालेलुया हम प्रकट करें और भरपूर होते जाए। हालेलुया, भरपूर होते जाए। यहां पर हालेलुया छोटे शुरुआत प्रभु ने दिया, इसमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जो विश्वास के पहला स्टेप में प्रभु ने आप लोगों को और मुझे लेके आया, तो उसमें भरपूर होते जाए, उसमें बढ़ते जाए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया, कई बार हालेलुया हमारे विश्वास के जीवन में हम हमारी कटौती होते जा रहा है। हालेलुया, पिछले साल जो विश्वास और धीरता हालेलुया वो सारी बातें जो हम में थे, हालेलुया आज हम बहुत चीजों में थक गए हैं और हम पीछे हटने के तैयारी में हैं। हालेलुया, प्रभु हमसे ये नहीं चाहता है। हालेलुया, देखो कुरिन्थी कलीसिया में और रोमियों का पत्री में सब हालेलुया आत्मा में कितनो कैसे बढ़ना है, आत्मिकता में कैसे बढ़ते जाना है, उन सारी बातों के बारे में, आत्मा के वरों के बारे में, सारी बातों के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, आज वहां पर जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। देखो मैं मेरे शब्दों को यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर ने जिन्होंने हालेलुया हमारे हालेलुया अंदर जो अच्छे काम हालेलुया शुरू किया है, हालेलुया जो हमारे हालेलुया अंदर जो अच्छे काम प्रभु ने आरंभ किया है, हालेलुया हम प्रभु के उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करके दें कि प्रभु उस काम को एक हालेलुया अंजाम तक, यानी एक हालेलुया समाप्ति तक ले जाने के लिए। हालेलुया, कई बार कई लोग इस प्रकार हैं, हालेलुया प्रभु में शुरू करते हैं हालेलुया लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, वो फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच नहीं पाते हैं, बीच रास्ते में सब कुछ कोलैप्स हो जाते हैं, उनके विश्वास के हालेलुया जो नौका है हालेलुया उनके विश्वास के जो बोट है हालेलुया बीच रास्ते में समुद्र में हालेलुया वो डूब जाते हैं। हालेलुया, प्रियो परमेश्वर में हालेलुया भरोसा रखते हुए हमारे जो हालेलुया नैया जो है, विश्वास के नैया को हालेलुया हमें धीरे धीरे हालेलुया आंधी तूफान हमारे खिलाफ उठते समय भी हालेलुया भरोसा नहीं खोना है। हालेलुया प्रभु में भरोसा रखते हुए जो हमारे हालेलुया नाव में है हालेलुया वो जरूर हमारे सिचुएशंस को बदलेगा। हालेलुया, वो जरूर हमें उस पार ले जाने वाला परमेश्वर है, वो जयवंत से हालेलुया बढ़कर हालेलुया हमें हालेलुया चलाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर में भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। इस वचनों के साथ प्रभु सभी को आशीषित करें, समय दिया वो परमेश्वर के दासों को मैं धन्यवाद देते हुए मेरी बातों को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु सभी को आशीषित करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।